वेल हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस, मेरा नाम है ऐश्वर्या एंड आप देख रहे हैं ऐशूज कॉर्नर। गाइस, मैंने अपनी एक वीडियो में आप लोगों को सारी ही डिटेल्स दी थी कि कौन सा शैम्पू हमें अपने हेयर्स पे अप्लाई करना चाहिए, कब कब अप्लाई करना चाहिए, क्या डेली अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गाइस, ये सारी ही डिटेल्स मैं अपनी एक वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो गाइस जा करके ज़रूर देख लीजिए। गाइस, साथ ही साथ मैंने अपनी उस वीडियो में आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया था कि जब भी हम कोई शैम्पू अपने बालों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के पहले हमें ये देख लेना ज़रूरी है कि वो जो शैम्पू है वो माइल्ड है या नहीं है। लेकिन कुछ मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, वो अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं कि मतलब कौन सा शैम्पू माइल्ड है नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चार ऐसे माइल्ड शैम्पूज शेयर करने वाली हूँ एंड सिर्फ शैम्पूज ही नहीं शेयर करने वाली हूँ, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स एज वेल एज नेगेटिव पॉइंट्स दोनों ही चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आज का वीडियो। तो गाइस, पहला शैम्पू है एलोवेरा माइल्ड नरिशिंग शैम्पू। इस शैम्पू की जो खासियत है वो ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से झाग बनता है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं रहते हैं, कोई पैराबीन्स नहीं रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा सुइटेबल है ऑयली हेयर्स वालों के लिए, जिनकी स्काल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये शैम्पू। इसके अलावा इसके जो इन्ग्रीडियंट लिस्ट में बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ें रहती हैं, जैसे कि एलोवेरा जेल, ग्रीन एप्पल एक्सट्रैक्ट, इसके अलावा इसमें बायोटीन भी पाया जाता है, तो ये हमारे हेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा ये हमारे बालों की फ्रिजीनेस को भी कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। गाइज, इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर कर देती हूँ। गाइज, इसमें एक तो सल्फेट प्रेजेंट रहता है, इसके अलावा इसमें सिंथेटिक फ्लोरल फ्रेग्रेंस ऐड रहता है। नाउ गाइज, इसके अलावा एक और जो शैम्पू है वो है बायोटिक का बायोकेल फ्रेश ग्रोथ प्रोटीन शैम्पू। तो गाइज, ये शैम्पू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एक बहुत ज़्यादा अच्छे माइल्ड शैम्पू की तलाश में हैं तो ये गाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा शैम्पू में मिल जाता है। गाइज, इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसमें किसी भी तरह के सिलिकॉन्स नहीं रहते हैं, किसी भी तरह के पैराबीन्स नहीं रहते हैं, किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं रहते हैं। इसके अलावा इसमें ना ही किसी भी तरह का सल्फेट प्रेजेंट रहता है और जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसके होते हैं 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ ये शैम्पू बना हुआ होता है। ये हमारी हेयर ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है। गाइज, इस शैम्पू में जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि पिपरमेंट, जो हमारे स्काल्प को सूद करने का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है। गाइज, इसको अप्लाई करने से आपको किसी भी तरह का हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होता है एंड इसके अलावा आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं। गाइज, चलिए अब मैं आप लोगों को इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बता देती हूँ। इसको अप्लाई करने के बाद हमारे जो बाल हैं इनमें बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनता है। इसके अलावा इसमें से जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल नहीं आती है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अपने बालों के ऊपर ऑयल अप्लाई करके रखा हुआ है तो आप इस शैम्पू को अप्लाई ना करें, क्योंकि ये जो शैम्पू है वो बहुत ज़्यादा माइल्ड है एंड आपके जो बाल हैं उसमें से पूरी तरह से ऑयल को ये आपके बालों से नहीं हटा पाएगा। इसलिए आप अगर अपने बालों के ऊपर इसे अप्लाई कर रहे हैं तो ये देख लीजिए कि आपके बालों में ऑयल ना डला हो। गाइज, इसके अलावा जो तीसरा शैम्पू है वो है खादी शिकाकाई एंड हनी शैम्पू। गाइज, शिकाकाई एंड हनी दोनों ही हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। गाइज, ये शैम्पू काफी ज्यादा अफोर्डेबल रहता है। गाइज, इसमें किसी भी तरह के पैराबीन्स नहीं रहते हैं, कोई भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स नहीं रहते हैं, साथ ही साथ इस शैम्पू में किसी भी तरह के सल्फेट्स भी नहीं रहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो इन्ग्रीडियंट्स यूज किए जाते हैं वो भी बहुत ज्यादा नेचुरल रहते हैं। ये हमारे बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट, शाइनी एंड सिल्की बना देता है। अगर आप लोगों के बाल बहुत ज्यादा ड्राई है या फिर आपकी जो स्काल्प है वो बहुत ज्यादा ड्राई है तो ये जो शैम्पू है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होने वाला है। गाइज, ये हमारे स्काल्प को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से क्लीन करने का काम करता है, साथ ही साथ इस शैम्पू में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से झाग भी बनता है। गाइज, अब मैं बात कर लेती हूँ थोड़े से नेगेटिव पॉइंट। गाइज, अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है एंड अगर आप उस हेयर फॉल को रोकने के लिए शैम्पू का यूज करते हैं तो आप गाइज बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ये जो शैम्पू है वो आपके हेयर फॉल को नहीं रोकता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग को अपने बालों को क्लीन करने का काम करना है तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आपके बालों को क्लीन करता है। इसके बाद इसका जो टेक्सचर आता है वो बहुत ज़्यादा रनी टेक्सचर में ये शैम्पू हमें मिलता है, ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट ही है। गाइज, इसके बाद जो फोर्थ शैम्पू है वो है TVAM शैम्पू।
है ना एक्स्ट्रा कंडीशनिंग फॉर ड्राई हेयर। इस शैम्पू में चिकपी पाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा रिच होता है प्रोटीन में एंड हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर आपके बालों में किसी भी तरह की डर्ट है या फिर अगर आपके बालों में ऑयल है तो आपके बाल को क्लीन करने का जो काम है वो ये शैम्पू बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से करता है। अगर आप लोग के बाल कलर्ड हैं, अगर आपने अपने बालों में हाईलाइट करवा रखे हैं आपके बाल, तो भी आप लोगों के बाल पे ये काफी ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा। आप जरूर इस शैम्पू को ट्राई करके जरूर देखिए। नाउ गाइस बात कर लेती हूँ अब मैं इसके थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स की। गाइस इस शैम्पू में जो झाग है वो बहुत ज्यादा नहीं बनता है। अगर आपके जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा ऑयली हैं तो ये आप लोगों के लिए इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। गाइस इस शैम्पू के अंदर प्रिजर्वेटिव्स पाए जाते हैं, हालांकि ये जो शैम्पू है वो FDA अप्रूव्ड है लेकिन उसके बाद भी इसमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं। तो गाइस मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ चार ऐसे शैम्पू शेयर किए हैं। अगर आप पतंजलि का शैम्पू जानना चाहते हैं कि कौन सा शैम्पू माइल्ड होता है, अगर आप जानना चाहते हैं कि पतंजलि के शैम्पूज में से कौन सा शैम्पू माइल्ड होता है, इसके अलावा और भी मैं आप लोग के साथ चार पांच ऐसे शैम्पूज शेयर कर दूंगी, दोनों पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, दोनों ही पॉइंट्स आप लोग के साथ जरूर शेयर कर दूंगी। आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आप जानना चाहते हैं, तो गाइज मैं जरूर शेयर करूंगी। गाइज इन सभी शैम्पूज की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आप लेना चाहें तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो या फिर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमारे लिए काफी ज्यादा मायने रखता है, तो लाइक जरूर कर दिया करें। इसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर बताइए कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी एंड मेरी वीडियो को अपने सारे सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं एंड अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से जाकर के मुझे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं एंड अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो गाइस जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए। चलिए गाइस मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।